चैनल, आपको तो पता है आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो आज मैं महात्मा गांधी की कुछ बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो पहले महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी सत्य का प्रयोग के बारे में बात करते हैं, और ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और गांधी ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी इसमें लिखी है, अपनी बचपन से लेकर इंडिया की फ्रीडम तक अपनी पूरी लाइफ स्टोरी इसमें लिखी है, और कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनकी बचपन बीता, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्यों गई और दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या हुआ और फ्रीडम मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट की, ये सब उन्होंने इस किताब में लिखी है। दूसरी किताब है सर्वोदय। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक बार जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे, तो 24 घंटे का सफर था, तो उनकी साथी ने उन्हें एक पुस्तक दिया था स्टेशन पर, तो गांधी जी ने इस पुस्तक के बारे में अपनी बायोग्राफी में लिखी है। तो उन्होंने इस पुस्तक की समरी बनाई और ये समरी सर्वोदय नाम में प्रकाशित। सर्वोदय किताब में गांधी जी ने सत्य क्या है उसके विषय में लिखी है। गांधी जी ने इस किताब को गुजराती में लिखी थी और इस किताब की अंग्रेजी अनुवाद भवानी दत्त पंडा की द्वारा हुई है। इस किताब में गांधी जी ने अपना पक्ष रखा है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गांधी जी को समझने में कितनी कठिनाई हुई थी, ये सब के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखी है। गांधी जी ने इस किताब पर सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के साथ साथ आध्यात्मिक नैतिकता और मूल्यबोधों का भी विचार विमर्श की है। चौथा किताब है दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह का इतिहास। इस किताब में उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई के बारे में लिखा है और ये लड़ाई 6 साल तक चला रहा। गांधी जी ने इस किताब में सत्याग्रह की लड़ाई शुरू होने के बाद और दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के भीतर जो भी कुछ हुआ, उन सारे इतिहास उन्होंने यहाँ पे लिखी है। पांचवा किताब है राम नाम। गांधी जी की लिखी हुई किताब राम नाम एक आध्यात्मिक किताब है और उन्होंने इस किताब में धर्म के विषय में लिखा है और गांधी जी ने इस किताब में लिखा कि उनको स्कूल में और टीचर्स से कोई भी धर्म शिक्षा प्राप्ति नहीं हुई थी और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को बहुत मानते थे। तो पांचवा किताब है मेरे सपनों के भारत। गांधी जी ने अपने सपनों के भारत में स्वराज का अर्थ के साथ साथ पंचायती राज और किसान और बेकारी समस्या के बारे में लिखा है। तो इधर था गांधी जी के कुछ बुक्स और आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।